दोस्तों, आपसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना रही हूँ, जिसे आप चाहें किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 8 संख्या में फंदे चाहिए। इसके लिए 2 के मल्टीपल में फंदे लीजिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। तो पहला ये बेसिक रो है, इसमें हम बॉर्डर को ही दोहराएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि 8 संख्या में फंदे हैं तो हमने सीधे से शुरुआत किया है, पहला फंदा सीधा बुना है, तो लास्ट फंदा भी सीधा ही आएगा। सेकंड रो और रॉन्ग साइड, ये हमारा डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो पहला लाइन ये पीछे से डिज़ाइन पड़ रहा है, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा है उसे सीधा बुन लेंगे और उल्टा वाला फंदा हम एक सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है उसे हम सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा देखिए, ये उल्टा है तो इसे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट सीधा, फिर अगला फंदा उल्टा है तो इसे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। जितने भी फंदे हैं उन्हें 2 बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा उल्टा। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा सीधा है इसे स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा इसे बुन लेंगे। अब अगला फंदा सीधा है जिसे उधर से हमने 2 बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा बुना था। तो देखिए यहाँ पे ये पहला धागा है और ये दूसरा धागा, ये पहला धागा है और ये दूसरा धागा, तो हम दूसरे धागे के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और इस फंदे में जो लिपटा हुआ है इसमें ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे। अब खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। अब अपना उंगली इस सिलाई पर रखेंगे और इसे ऐसे पलट देंगे। अब इसे बुनना नहीं है, अब बुन आगे करेंगे और उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे, उन पीछे करेंगे। अब देखिए ये एक धागा है और ये दूसरा वाला धागा है, तो दूसरे वाले धागे के हम नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और जो फंदा हमने ये लिपटा हुआ है 2 बार लपेट के उल्टा बुना था, यानी कि इधर से सीधा फंदा। तो इसी में हम ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे और उंगली इस निडल पे रखेंगे और इसे ऐसे घुमा देंगे। अब इस फंदे को बुनना नहीं है, उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा इसे बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदा नहीं, देखिए एक ये एक धागा है और ये दूसरा धागा है, तो हमें इस दूसरे धागे में सामने की तरह से सिलाई डालना है, इस दूसरे धागे के नीचे ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालना है और इस फंदे में ऐसे पीछे की तरफ से, और इसे गिरा देंगे। उंगली निडल पर रखेंगे, घुमाएंगे और फंदे को
उंगली निडल पर रखेंगे, घुमाएंगे और फंदे को सामने से निकालेंगे। अगला फंदा उल्टा, दो फंदे नीचे हम आ जाएंगे, दो लाइन नीचे हम आ जाएंगे, सीधी की तरफ से सिलाई डालेंगे और लपेटे हुए फंदे में पीछे की तरफ से। फिर निडल पे ऐसे उंगली रखेंगे, बाएं वाली उंगली निडल पे रखेंगे और इस फंदे को ऐसे घुमा के निकाल लेंगे। अगला फंदा उल्टा, सिलाई अच्छी पॉइंटेड होनी चाहिए तभी ये बढ़िया से निकल पाएगा। और रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा और उल्टे वाले फंदे को हमें फिर से सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेना है और उल्टे वाले फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और उल्टे वाले फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। और लास्ट फंदे को एज स्टिच है इसे उल्टा। अब ये डिज़ाइन का फोर्थ रो है और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा। अब देखिए सीधे वाले फंदे को हमने दाहिनी ओर से घुमा के निकाला था, तो अब की हम उन दूसरी ओर कर लेंगे। अब की हम बाईं ओर से प्रोसेस सेम है, दो लाइन नीचे आएंगे और सिलाई सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और फंदे में पीछे की तरफ से और इसे घुमा के ऐसे निकाल लेंगे। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा है। पिछली बार हमने इस साइड से निकाला था, दाहिनी साइड से निकाला था, अब की बात फंदे के बाईं साइड से हम निकालेंगे। पिछली बार हमने फंदे के दाहिनी ओर से सिलाई डाला था, अब की बार हम फंदे के बाईं, ये फंदा है इसके बाईं ओर हम सिलाई डालेंगे। सेम प्रोसेस है, दो फंदे नीचे, ये दो लाइन नीचे हम आ जाएंगे। देखिए ये एक धागा ये जा रहा है और ये दूसरा धागा जा रहा है, तो दूसरे धागे के नीचे हम ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर पीछे से इस लपेटे हुए फंदे में सिलाई डालेंगे। फंदा खुल जाएगा और इसे ऐसे घुमाते हुए निकाल लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, फिर से देखिए हम दो लाइन, ये एक जो ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है, तो हम दूसरे लाइन के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे सामने से और जो फंदा लिपटा हुआ है इसमें पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे। अब ये फंदा खुल जाएगा और अपना बायां उंगली इस निडल पे रखेंगे और इसे ऐसे घुमा देंगे। देखिए आगे से ये निकल गया। अब इसको बुनना नहीं है, ऊन अपनी ओर करना है। नेक्स्ट फंदा उल्टा है, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम दूसरी ओर करेंगे। अब फिर नेक्स्ट लपेटा हुआ फंदा आ गया, तो हम फंदे के बाईं ओर दो लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और लपेटे हुए फंदे में पीछे से। अब ये फंदा खुल जाएगा, निडल पर ऐसे उंगली रखेंगे और ऐसे घुमा देंगे। फंदा आगे आ गया, अब इसे बुनना नहीं है, ऊन को अपनी ओर करना है। नेक्स्ट फंदा चूँकि उल्टा है तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब
सिलाई दूसरी तरफ करेंगे, अगला फंदा सीधा है जिसे हमें बुनना है, तो इस फंदे के बाईं ओर दो लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे। अब इसको, ये फंदा खुल गया, अब निडल पर अपनी उंगली रखेंगे और इसे ऐसे घुमा देंगे। देखिए फंदा सामने आ गया, उन अपनी ओर करेंगे और नेक्स्ट फंदा उल्टा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए ये सीधा लपेटा हुआ फंदा आ गया, इसे इसकी बाईं ओर दो लाइन नीचे हम सामने से सिलाई डालेंगे और फंदे में पीछे से। अब ये फंदा खुल गया, निडिल पे बाई उंगली रखेंगे और इसे घुमा के सामने से निकाल लेंगे। इसे हमें बुनना नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे सीधा। अब हम रॉन्ग साइड में आ गए, तो एक फंदा उल्टा है और एक फंदा सीधा, एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा है उसे सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो इसे हमें सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। नेक्स्ट फंदा देखिए सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा है तो उल्टे वाले फंदे को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा है, सीधा बुन लेंगे, उल्टे वाले फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, उल्टे वाले फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और अगला फंदा उल्टा उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए पिछली बार हमने बाईं ओर से फंदे निकाले थे, तो अब की बार हमें फंदे के दाहिनी ओर से निकालना है, दो लाइन प्रोसेस सेम रहेगा, दो लाइन नीचे सामने की ओर से सिलाई डालेंगे और फंदे में पीछे की तरफ से उतारेंगे, उंगली निडिल पर रखेंगे, निडिल पॉइंटेड होना चाहिए, और इसको घुमा के आगे की तरफ निकाल लेंगे। अब इसे बुनना नहीं है, उन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और फंदे के दाहिनी ओर हमें दो लाइन नीचे निडिल डालना है और फंदे में पीछे से निडिल डालना है। अब फंदे को ऐसे घुमा के आगे से ऐसे निकाल देंगे, उन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, दो लाइन नीचे पीछे सिलाई डाला, आगे घुमा के निकाल लिया। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत तेज़ी से बनता है, शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होती है, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत तेज़ी से बनेगा। रॉन्ग साइड से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, उल्टा वाला फंदा हमें सिलाई में दो बार लपेटना है और सीधा वाला फंदा सीधा बुन लेना है। उल्टा वाला फंदा सिलाई में दो बार लपेटते हुए उल्टा बुनना है और सीधा वाला फंदा सीधा बुन लेना है। अब देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा है, उन दूसरी ओर करेंगे। पिछली बार हमने फंदे के दाहिनी ओर से निकाला था, तो अब की फंदे के बाईं ओर से हम फंदा निकालेंगे, फंदे के बाईं ओर से दो लाइन नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदे में पीछे से सिलाई डालेंगे और इसे घुमा के आगे निकाल लेंगे। अगला फंदा उल्टा, फंदे में दाहिनी ओर से ऐसे सिलाई डालेंगे और फंदे में पीछे से, और इसे घुमा के
सामने ला देंगे। बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा। बस इन्हीं चारों लाइनों को हमें बार बार दोहराना है। डिज़ाइन पीछे किस तरफ से शुरू हो रहा है और चार लाइन का ये बस डिज़ाइन है, और ऐसे एक वेव की तरह बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।